Hello guys, this is Leela Negi, faculty of Kanika'S Nursing Academy, and today I'm going to discuss about the eye disorders. So as we all know, हमारी eyes में बहुत सारे different disorders हैं, like वो refractive error हो, चाहे muscular disease हो, या फिर हमारी eye की globe की कोई disease हो. और ये सारी disease वैसे तो minute disease है, या फिर minor disease है, acute disease है, but अगर ये untreatable रहेगी, तो ये further lead करती है आपकी blindness, जो कि बहुत ही एक major प्रॉब्लम है. सो हम एक बार ये सारी डिजीज कंडीशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो हमारी आई के डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज रिफ्रेक्टिव एरर होगी, ठीक है, मस्क्यूलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, और डिसऑर्डर ऑफ द आईलेट एंड द डिसऑर्डर ऑफ द ग्लोब ऑफ द आई. अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट इज रिफ्रेक्टिव एरर. सो रिफ्रेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्शन, जैसे हमारी लाइट बाहर से कभी भी एंटर होती है लेंस में, तो लेंस का वर्क होता है कि ये पीछे हमारी रेटिना में रिफ्रैक्शन कॉज करे, इमेज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो अगर हमारी रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, लाइक हमारी लेंस में या फिर कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आई है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पा रही है रेटिना में, तो वो कॉज करती है रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है, या फिर जो पर्सन है उसको नियर साइटेडनेस हो सकता है या फिर फार साइटेडनेस, मतलब कि या तो वो आपकी नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा या फिर फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा. ये हमारी आती है रिफ्रैक्टिव एरर्स में. सो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स हमारे पास कौन कौन सी होती है. सो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं हाइपरोपिया, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म एंड प्रेस मायोपिया. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली है हमारे पास हाइपरोपिया. Hyperopia is also known as the far sightedness. ठीक है, far sightedness का मतलब है कि जो person है, that person will be able to see the far objects clearly. ठीक है, कि जो दूर की objects है उसको वो clearly visualize कर पाएगा, उसको वो clearly देख पाएगा, ठीक है, बट जो आपकी नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको क्लियरली नहीं देख पाएगा. क्यों? बिकॉज जो आपकी लेंस है वो फोकस कर रही है बिहाइंड द रेटिना. जो आपकी इमेज बनती है दैट विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ मैंने आपको एनाटॉमी में हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी इमेज है दैट विल बी फॉर्म ऑन द मैक्यूला ल्यूटिया. यहाँ पे एक येलो स्पॉट फोविया सेंट्रलिस जो आपकी मैक्यूला ल्यूटिया के बिल्कुल सामने होती है, एक येलो स्पॉट के पास ही होती है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है. बट हाइपरोपिया के केस में क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन होती है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बैक साइड. तभी जो पर्सन है वो आपकी जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको देख पाएगा, उनको एबल होगा उनको देखने में, बट आपकी जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं देख पाएगा, वहाँ पे उसको ब्लर नज़र आएगा जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इटियोलॉजी. इटियोलॉजी इज जेनेटिक लिंक. अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, हेरिडिटरी है, तब वहाँ पे पेशेंट में हो सकता है हाइपरोपिया. सो नेक्स्ट है हाइपरोपिया के साइन एंड सिम्टम.